ओके गूगल, क्या हाल है आपके? जब भी मुझे आपसे बात करने को मिलती है, मेरा दिन शानदार होता है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बताएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। तो यार, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, हर वीडियो में बता रहा हूँ। कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, इंडिया की सरकार का हम कुछ बोल नहीं सकते, बट हम लोगों के हाथ में जो है हम वो तो कर सकते हैं। मास्क लगाओ यार, और जो नंबर्स एक्चुअल में दिख रहे हैं ना कोविड के, जब तक आपके मोहल्ले के आसपास ना हो, आई नो तब तक आँख नहीं खुलेगी, बट उसकी नौबत मत आने दो। मास्क जितना हो सके लगाओ, बाहर ऐसे मत घूमो, बिना मास्क के तो मत ही घूमो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यार, यहाँ पर है हमारे पास एक गूगल नेस्ट मिनी टू, जो कि सेकंड जनरेशन का, जो कि फर्स्ट जनरेशन से जिसकी जो साउंड है वो 40% एक्स्ट्रा है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो डबल टाइप है, जैसा कि इन्होंने लिखा है, बट 40% साउंड एक्स्ट्रा है। तो यार, मेरा मेन रीज़न है स्पीकर को लेने का, जो कि है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी हैव एलेक्सा, सेकंड आई ऑलरेडी हैव गूगल स्मार्ट स्पीकर, जो कि है एमआई का, ठीक है? अब एमआई का स्मार्ट स्पीकर लेने के बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि 4,000 रुपये का इतना बड़ा स्पीकर दे तो रहे, बट वो क्वालिटी नहीं है, एक बार तू गूगल का लेकर देख, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकर देख लेते हैं। तो ले लिया, तो एक बार हम देखेंगे कि हाँ, क्या ये एक्चुअल में लेना वर्थ है या वो MI का स्मार्ट स्पीकर लेना वर्थ है, क्योंकि उसमें थोड़ा बेस ज़्यादा है। बाकी देखते हैं कि क्लैरिटी वगैरह का क्या फ़र्क है, तो ये सब बातें बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अनबॉक्स दिस, नॉट कहूँगा बीस्ट, छोटी सी चीज़ है, अनबॉक्स करते हैं और बाद में बातें करते हैं सभी चीज़ों की। तो यार, ये रहा हमारा गूगल नेस्ट मिनी, जिसमें फ्रंट की तरफ छोटा स्पीकर बना हुआ है, साइड की तरफ इसके बारे में टर्न अप म्यूज़िक ये सब चीज़ें लिखी हुई, कमांड वगैरह कैसी कैसी हैं। इसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई है, एंड्रॉयड और iOS पे वर्क करता है दोनों पे, और वॉल माउंट के लिए हमेशा रेडी है। ये कुछ बैकग्राउंड पे काफ़ी नाइस सा एक अलग से एक फोटो लगा रखा, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ओके गूगल कहने पे यूट्यूब म्यूज़िक, नेटफ्लिक्स, फिलिप्स, ये सभी चीज़ें जो भी है, मतलब ये सभी करता है, और आप सबको ऑलरेडी पता है, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यार, ये रहा हमारा खोनीचा को, इसको खोलने के लिए तैयार है, या कह सकते हो आप मर्डर के लिए। तो ये कुछ हमने इस तरह से खोल दिया, अब लेट्स अनबॉक्स दिस। फाइनली अनबॉक्सड, सो लेट्स चेक आउट अनबॉक्सिंग कॉन्टेंट। ओके, ये काफ़ी प्यारा सा लगा मुझे। ओके सो यार, ये सबसे ऊपर है हमारा छोटा सा गोलू सा स्पीकर है, एंड पर्सनली कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। ये ऊपर से इसका फैब्रिक और नीचे इसका ये रबर, और ये वॉल माउंट के लिए भी तैयार है, जैसा कि उन्होंने कहा था। और ये है इसका ये माइक को ऑन ऑफ करने का, ये साइलेंट, एंड अब ये साइलेंट से हट गया। यार, ये है इसका चार्जिंग वाला, हम बाद में देखते हैं। सो ये रहा इसका चार्जिंग वाला, नॉट चार्जिंग, एडेप्टर आप कह सकते हो। और ये एडेप्टर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब गोल था ना परफेक्ट सा गूगल वाला। और ये रहा इसका वही पोर्ट जो उसमें लगेगा, वाइट कलर की केबल है, जल्दी गंदी हो जाएगी, सो इसको साइड में रखते हैं। ये है गूगल की जन्म पत्री, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ आपको जो ऑलरेडी पता है वो चीज़ें हैं। सो इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। सो यार, अब हम इस स्पीकर को सेटअप एंड टेयर अप सब कुछ कर लेते हैं, एंड फिर आते हैं आपके पास कि किस तरह का इसका साउंड, बिल्ड क्वालिटी, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू आउट। तो यार, अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख लिया, सच कह रहा हूँ, एक दिन मेरे को इसको सेटअप करने में लगा, नॉट बिकॉज मेरे को आता नहीं चलाने, जस्ट बिकॉज मैं और थोड़ी स्किल्स वगैरह एक्सप्लोर करना चाहता था, कुछ खास कुछ लैंग्वेज एंड ऑल, ये कुछ हम मस्तीखोरी कर रहे थे इस स्पीकर के साथ, स्मार्ट स्पीकर के साथ गूगल का। तो चलो इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं, धीरे धीरे एक टॉपिक को कवर करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कमिंग टू द फीचर्स। मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला कि ये कितने वॉट का स्पीकर हो सकता है, बट जो मैंने इसकी साउंड सुनी उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसमें 5 वॉट का जो है स्पीकर ये होगा, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है, जहां तक हमने इतने स्पीकर्स जो अनबॉक्स कर रखे हैं। और ये बैकग्राउंड में ठक ठक की अगर आपको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ डोंट बॉदर, कंस्ट्रक्शन काफ़ी दिनों से चल रही है, इसी रीज़न से मैं अपना वीडियो जो टाइमली रिव्यू नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है? आप काफ़ी लोग कहेंगे कि ये वाला गूगल नेस्ट वन जो था वो अप्रॉक्सीमेट 3000 का, और ये वाला अप्रॉक्सीमेट है 4,500 को, जो कभी कभी आपको 4,000 वो मिल जाता है, क्या फ़र्क है दोनों में? वेल, मैंने गूगल जो नेस्ट मिनी था वो मैंने अपने फ्रेंड के पास सुना था, बट मुझे भी लगता है कि इसकी जो साउंड है उससे लिटिल बिट बेटर है, नॉट बेटर, लाउड है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्पीकर है, ऐसा मुझे फील हुआ। और जो कि है भी, इन्होंने लिखा भी है 40% एक्स्ट्रा है, सो आई टोटली एग्री विद डैट। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, या फिर मेरे फ्रेंड्स का ही था, कि गूगल इज़ गिविंग क्वालिटी, MI मतलब, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं यार, MI ने जो चीज़ कहता है ना MI, कि हाँ हम कम पैसे में ज़्यादा अच्छा चीज़ देते हैं, वो चीज़ उन्होंने वहाँ जस्टिफाई की है।
लाइक अगर 4,000 रुपये में मुझे कोई दोबारा पैसे दे और कहे कि आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली MI पर जाऊँगा रेदर देन दिस. समटाइम्स यू नो ब्रांड नेम नहीं, आपको अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो. मेरे को क्वालिटी में बस ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी बेकार है, ये है कि उसमें थोड़ी जो बेस है, जो मतलब विदाउट बेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों इक्वल है, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. बट जहाँ पर बेस की बात आ जाती है तो येस आई एम लिटिल बिट एडिक्टेड ऑफ बेस. तो बेस जो है वो ज़्यादा बेटर है MI वाले की एज़ कम्पेयर टू दिस. अब ये मेरा कंक्लूजन है, मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर आप ये सच में खुद भी देखोगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि यस. बाकी हाँ, क्वालिटी जो है टोटली इक्वल है, बीट्स वगैरह जो एवरेज है इसमें. अब अगर इफ़ यू वांट कि मैं ये गूगल वाला और जो एलेक्सा वाला है वो दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो हाँ मैं वो भी करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कंपेरिजन फैक्टर बन सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये और वो में से कोई भी एक बेटर हो सकता है ना. वो दोनों आगे डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, अभी फिलहाल हम स्पीकर पे आ जाते हैं, चल रहा है. सो ये तो था ऑल ओवर जो कंपनी की तरफ से बताया गया और जो मुझे फील हुआ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ द स्पीकर. अगर आप स्पीकर के देखेंगे तो ऊपर का जो है पूरा का पूरा इसमें फैब्रिक वाला जो वो हो रखा है, फैब्रिक कोटिंग या फिर फैब्रिक लगा रखा है, कपड़ा लगा रखा है, जो कि मुझे काफ़ी कूल लगता है लिटरली कहूँ तो. अगर ऐसा वन प्लस वाले भी ऑफिशियल केसेस, यार हर कंपनी ऐसे ऑफिशियल केसेस लाना शुरू कर दे, मैं तो हर बार परचेज करूँ. बट हाँ, ये ग्रे कलर मुझे काफ़ी कूल लगा. एंड नीचे की तरफ अगर आप बात करें तो ये रबड़ पैडिंग वगैरह दे रखी है जो कि टेबल पर बिल्कुल भी नहीं फिसलती है. एंड हाँ, यहाँ पर नीचे हुक के लिए भी दे रखा है. एंड वहीं मैं नीचे की तरफ अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको माइक का बटन दे रखा है, नॉट बटन और स्लाइडर है, ऑन या ऑफ कर सकते हो. सो ये तो था ऑल ओवर ओवरव्यू. नाउ कमिंग टू द फीचर्स, ठीक है. जो इसके फीचर हैं वो तो आप सबको पता है. ओके, गूगल ये बोल तो सब कुछ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है. एंड आप इसे हिंदी इंग्लिश जैसे भी बात करना चाहो कर सकते हो. इवन तो ये आपको हर बात का जवाब देगा. कल जब मैंने इसको सेटअप किया और उसके बाद मैंने जैसे इससे ये पूछा, ओके गूगल कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आपका दिन कैसा चल रहा है? मेरा भी बढ़िया चल रहा है. बहुत बढ़िया. सी, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो ये हर चीज का जवाब आपको हिंदी में ऐसे देगी लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन पर्सन. बहुत ही रियलिस्टिक फील करवाता है ये चीज़. मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे. इवन तो कल तो मैंने जब इससे पूछा था सेटअप करते ही कि आप कैसी हो, तो इसने मुझे पूछा कि आजकल बीमारी से बहुत ज़्यादा हाल खराब चल रहा है, मेरा हाल तो ठीक है, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें. दिस इज़ द एग्जैक्ट लाइन व्हाट शी सेड, गूगल सेड. तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ उस लाइन से यार. तो ऐसे से जो ओके गूगल वाले फैक्टर हैं ना, ये सही लगते हैं मतलब काफ़ी, जो कि एलेक्सा वाले या फिर जो आगे सीरी वाले हैं वो इतना नहीं कम्पीट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दिस. सो नाउ कमिंग टू द फीचर्स. फीचर्स में यहाँ पर एक 5 वाट का स्पीकर आपको मैंने बता दिया. इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 डॉट्स हैं, जैसे आप टैप करोगे तो ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है. ये लाइन चलती है जब भी आप टच करो स्पीकर को. तो यहाँ पर एक जो राइट साइड वाला है वो है वॉल्यूम अप करने के लिए, और लेफ्ट साइड वाला है वॉल्यूम डाउन करने के लिए. रेदर देन अगर आपको ये है कि अगर आप बोल भी सकते हो इसकी कि वॉल्यूम जो है वो 10, 20, 30 कितनी चाहिए आपको, 50%, वो ये अपने आप कर देती है. बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैनुअली आप कर सकते हो, ठीक है. और ऊपर से जब भी आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट जलती है. अब मुझे था कि ये हर बार लाइट क्यों जलती है, देन आई फिगर समथिंग आउट. अब ये सॉन्ग चल रहा है, ठीक है. ऊपर टैप करोगे तो पॉज कर देता है, उसको टैप करोगे वापस वो प्ले कर देता है. सो यहाँ पर ये प्ले एंड पॉज का काम करता है. एंड सेकंडली इसमें जो ब्लूटूथ भी है, जस्ट लाइक MI स्पीकर, अगर आप इसको बोलोगे गूगल सेटअप ब्लूटूथ, तो ये ऑटोमेटिक ब्लूटूथ पे कर देता है. ओके गूगल सेटअप ब्लूटूथ. ओके, टू कनेक्ट ओपन ब्लूटूथ सेटिंग्स एंड लुक फॉर द डिवाइस कॉल्ड लिविंग रूम स्पीकर 2. बस इसके बाद ये पेयर्ड अप हो जाएगा और आप ब्लूटूथ एज ए इस स्पीकर को भी यूज कर सकते हो, जो कि मुझे काफी कूल लगा यार, काफी कूल पार्ट लगा ये चीज. सो यहाँ पर मैंने बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स एंड जेस्टर्स, ये 3 टॉपिक कवर कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट थे. एंड जेस्टर्स को ज़्यादा नहीं है, बस वही है पॉज एंड प्ले, वॉल्यूम अप और डाउन, इससे ज़्यादा जेस्टर्स नहीं है इसमें. बट आपको जो माइक बंद करने के लिए उसके लिए जेस्टर नहीं है, उसके लिए नीचे आपको स्लाइडर एक बटन दे रहा है, ठीक है. ऑल यू हैव टू डू जस्ट दिस. सो ये तो था सभी. इन सभी में अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पूछना है तो आप पूछ सकते हो. बाकी हाँ, जो भी आप स्किल सेट वगैरह सेट कर सकते हो, गूगल होम की ऐप होती है उसके थ्रू सेट कर सकते हो. सेम वाईफाई नेटवर्क पे रखना होता है, जस्ट लाइक माय मोबाइल ये यहाँ पर है. इसमें जो वाईफाई नेटवर्क से मैंने कनेक्ट कर रखा है, उसी वाईफाई नेटवर्क से मुझे स्पीकर को भी कनेक्ट करना है. और उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग. अब वो पीछे वो देख रहे हो लाइट, अब उस लाइट को मुझे ऑन करना है. ओके गूगल टर्न ऑन ऑरा लैम्प. Got it. Turning on the aura lamp. So you can see, वो उसने aura lamp को on कर दिया. मेरा smart lamp था.
ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चीज़ें तो करता ही रहता है। बाकी ओके गूगल वही, अगर आपका सेम अकाउंट वाला है ना, लाइक जो आपके मोबाइल में, तो आप मोबाइल से भी उसे कमांड दोगे तो भी वो यही उठाएगा। तो यार नाउ कमिंग टू द साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात कहूँ तो बेस को छोड़ के इसमें बाकी सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट टेरेबल, परफेक्ट वोकल्स, नॉट डैट मच लाउड, बट हाँ इतना लाउड है कि आपको एक रूम में आपको बहुत ही ईजिली एक इंटरटेनमेंट आपको दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टीज वगैरह आप कर सकते हो, नहीं, एक अकेले दे दो चार पाँच पर्सन के लिए, लाइक हाँ वो सब कुछ ये कर देता है। ठीक है, इवन तो मैं इसको अलार्म भी सेट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको बोलूँ ना, ओके गूगल वेक मी अप आफ्टर 1 आवर, 6:45 PM सेट, एक घंटे बाद मुझे ये उठा देगा। बट हाँ, बात चल रही थी वॉल्यूम की, साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी बेस के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है। बीट्स भी ठीक ठाक बजा लेता है, नॉट डैट मच, एक एक्यूरेट नहीं, बट हाँ बजा लेता है इतना कि आपको मज़ा आएगा, यू कैन फील इट। म्यूज़िक बजा लेगा अच्छा सा, इंस्ट्रूमेंटल आपको, छनकार, ये सब कुछ सुनेंगे आपको, मज़ा आएगा आपको। तो ठीक है, गूगल की तरफ से ये एफर्ट है, एफर्ट क्या है, उन्हीं का तो सबसे पहले आया था। सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। जो ब्रांड क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है और जो साउंड क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग 3,000 रुपये में अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि सेल पे कभी कभी मिल जाता है 3,000 रुपये का, तो जस्टिफाइबल है, यू कैन टोटली परचेज दिस स्पीकर। सो नाउ कमिंग टू द माइक क्वालिटी, मैं दूर भी था ना, मतलब लाइक ये मैंने यहाँ पर अभी स्टूडियो में रखा हुआ है, बट मैं सेकेंड रूम में जहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ, लोगों को पता होगा जो रेगुलर व्यूअर्स है, यहीं बगल में ही 10 फीट दूर, 12 फीट दूर, मतलब वहाँ से भी अगर मैं ओके गूगल का कमांड दूँ ना तो ये सुन लेता था। सो आई थिंक माइक क्वालिटी इज़ रियली इंप्रेसिव, काफ़ी सेंसिटिव माइक है, मज़ा आ गया। मतलब साउंड क्वालिटी के लिए एक बार मैं आपको NCS और रितिज दोनों के ही ट्रैक प्ले कर देता हूँ। ठीक है, और अगर रितिज से अगर आपको नहीं सुना है तो समझ लेना कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिस वजह से मुझे वो क्लिप या साउंड बार वो हटाना पड़ा। ठीक है, तो यार यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स की बातें कर ली हैं इनकी। नाउ कमिंग टू द लाइक, आप सबको बताइए लाइट ऑन कर सकता है, लाइक लाइट का कलर भी चेंज कर देगा। ओके गूगल टर्न ऑरा लैंप ब्लू। ओके चेंजिंग द ऑरा लैंप टू ब्लू, सी कलर भी चेंज कर देता है, आपके लिए अलार्म लगा देता है, आपसे बातचीत कर लेता है, आपके लिए लाइक टू डू लिस्ट ओपन कर लेता है, ब्लूटूथ स्पीकर बन जाता है यार ये, एज ए क्रोमकास्ट ये ऑन हो जाता है। और ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर से आप कुछ भी कर सकते हो यार, लाइक मान लो अगर आपको 10 लोगों को औरों को सुनाना है क्या चीज़ आप सुनाना चाहते हो, तो जस्ट सेट टर्न ऑन ब्लूटूथ, तो ऑन कर देगा यार ब्लूटूथ, और क्या रह गया। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट डिवाइस, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है। एंड सेकेंडली मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी वो था इसका एडेप्टर, इसका एडेप्टर मुझे वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग एवर अभी तक लगी। लाइक वो गोल सा जिसमें सेंटर में जी लिखा हुआ है, एंड रियली परफेक्ट वन। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे चार्जर्स भी आने लग जाएं बाकी कंपनीज के, तो काफ़ी क्यूट सा लगेगा, बट हाँ ठीक है ये मेरी सोच है। तो यार अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो इसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेट है 178 ग्राम, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं 180 ग्राम, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, वैसे भी हमने कौन सा उठा के घूमना, कहीं रखना ही तो है। सो नाउ कमिंग टू द ऑल ओवर रेटिंग, कि आप लोगों को ये लेना चाहिए, मैं कितनी रेटिंग देता हूँ इसको ऑल ओवर परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। ठीक है, मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग देता हूँ। 1 रेटिंग सिर्फ मैं इसलिए काटता हूँ इसका, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस नहीं है, अब वो इसकी कमी नहीं है, इन्होंने तो बताया भी नहीं था, ये मेरी तरफ से। ठीक है, एंड थोड़ा सा वो बीट्स वगैरह भी अगर मैं कहता हूँ वो एक्यूरेट हो जाता है ना एकदम, सो एकदम परफेक्ट हो जाता है ये। बाकी भाई साहब एक एक फीचर, रिस्पॉन्स टाइम, सब कुछ एकदम दमदार है भाई लोगों, ऐसा कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, अब आप मस्ती खोरी भी कर सकते हो आप इससे। बाकी अगला वीडियो में मेरा ये वाला MI का स्मार्ट स्पीकर एंड Alexa, तीनों का कंपैरिजन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये तीनों ही स्पीकर्स हैं ऐसे हैं जो सेम प्राइस रेंज में। ठीक है, तो आई नो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा लेना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो के लिए ट्यून करना है तो सब्सक्राइब करना ज़्यादा जरूरी है, रेड कलर का होगा आपको, उसको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ग्रे करना है, और ये वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक कर देना यार,
ऑल आई वॉन्ट दिस, अदरवाइज हमारा खूनी चाकू हर वक्त तैयार रहता है हमारे पास, हेटर्स लोगों के लिए एंड जो लाइक नहीं करते उनके लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइज़।